हरियाणा की वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा हरियाणा के गांवों का दौरा कर रही हैं। अब की बार क्या है सूरत हाल, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आप हरियाणा के गांवों में जा रही हैं, शहरों में जा रही हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है, आप लोगों का उत्साह देखिए, लोगों का उत्साह देखिए आप कि इतनी गर्मी में है और इनकी इच्छा है आज के दिन कि जल्दी से 5 तारीख आए और सरकार को पलटा जाए और कांग्रेस की सरकार बने। ये जन जन की इच्छा है, आज हर वर्ग की इच्छा है, सभी लोग दुखी हैं इस 10 साल के कुशासन से। अब इंतजार है सरकार बनने का, कांग्रेस बनने। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ऐसा लगा कांग्रेस रिकवरी पाथ पर है, विधानसभा चुनाव में आप क्या उम्मीद कर रही हैं? विधानसभा चुनाव में जो जगह जगह लोगों से बातचीत और आना जाना, पीछे हमने यात्रा भी की, तो लोगों का यही नजर आ रहा है कि अब भाजपा के तो दिन लद गए और वो आपको नजर भी आ रहा है जैसे भाजपा में भगदड़ मच रही है। और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से हमने काम किया है, मेहनत की है, जमीन में लोगों से जुड़े रहे हैं हम, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बढ़िया प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। दो बड़े समुदाय, चाहे वो दलित मतदाता हो, जाट मतदाता हो, और तीसरा भी कह लें तो ओबीसी भी, कांग्रेस की तरफ खिसका है। और एक तरफ हरियाणा की दो छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, जननायक जनता पार्टी INLD बसपा के साथ, आजाद समाज पार्टी के साथ समझौता कर रही हैं। आपको लगता है इस मत प्रतिशत को कहीं वो कुछ खींच पाएंगी या वोट काटू के रूप में उभरेंगी? देखो, पहली बात तो कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है, सभी वर्गों को हम लेकर चलते हैं, सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, सबको समान हम मान सम्मान और सब कुछ हिस्सा मिलता है, तो कांग्रेस तो 36 बिरादरी की पार्टी है। हाँ, इनकी बेशक अब देखिए इनका सारा ग्राउंड खत्म हो चुका है, चाहे बसपा है, चाहे जजपा है, चाहे भाजपा है, और बल्कि पीछे जैसे इनका गठबंधन भी टूटा, अब नए समीकरण बनाने का प्रयास है, तो ये तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल हताश तो हो चुके हैं जमीन पर। आज लोग देखते भी हैं विकल्प, तो वो कांग्रेस में ही देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा 10 साल, इसे कैसे आंकती हैं? अब आंकना तो जनता का काम है, हम विपक्ष में हैं, हम तो आईना दिखा सकते हैं, असलियत लोगों के सामने रखते हैं, और लोगों ने इस बात को माना भी क्योंकि सभी भुगत भोगी हैं, चाहे वो ग्रामीण आंचल के लोग हों, चाहे शहरों में कस्बों में छोटा दुकानदार है, किसान है, मजदूर है, दलित है, हर वर्ग मुलाजिम है, हर वर्ग दुखी रहा है 10 साल के इनके साथ। इनका कोई लोगों के साथ कोई जुड़ाव कभी नजर नहीं आया, तो वही कारण है कि अब जनता भी इनसे विमुख हो चुकी है। आपका चुनावी घोषणा पत्र अभी आना बाकी है, आपने सुझाव मांगे हैं, क्या सामाजिक सुरक्षा, अपराध और दलित सुरक्षा कोई बड़ा इशू है? बिल्कुल, ये सभी इशू हैं, और क्योंकि ये वर्ग जो शोषित वर्ग है वो कांग्रेस की ओर ही अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए देखता है, और कांग्रेस ने हमेशा शुरू से आज़ादी से पहले ही इन लोगों की बात, हमारे कमज़ोर वर्ग को उठाने की बात, डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान की रचना की तो आज ज़रूरत है संविधान को भी बचाने की, ये सारी बातें जुड़ जाती हैं, और सभी वर्गों की उम्मीद केवल कांग्रेस पार्टी है। मैम, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, 30 साल से आप राजनीति के क्षेत्र में, बहुत बड़ा कद आपका है, मोर देन दैट, आप बताइए कि अब की बार चूंकि हवा बदल रही है, आपके समर्थक हम देख रहे थे, गीत भी गा रहे थे कि आप मुख्यमंत्री बने, आप क्या चाहती हैं? मेरे ख्याल में आज हम इस बात को थोड़ा पीछे रखें, आज जरूरत केवल केवल और केवल सरकार बनाने की, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जीतने की, हम उसको रखें, ये तय हो जाएगा चुनाव के बाद, हाईकमांड तय करेगा, तो हम फोकस अपना, गोल अपना रखें कि हम सरकार बनाएं। कितनी सीटें जीतने की उम्मीद है मैम? प्रचंड बहुमत, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बात तो ये है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और कांग्रेस पार्टी तो 90 की 90 सीटों पर जीतने के लिए लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के साथ समझौता नहीं हो पाया, इसे कैसे देखती हैं? अब देखो, कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं, नेगोशिएशन होती हैं, बातचीत होती है, तो संतुष्टि सबकी होनी चाहिए, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, विकल्प तो कांग्रेस है। शुक्रिया मैम, थैंक यू। कुमारी सैलजा का मानना है कि हरियाणा में अब विकल्प कांग्रेस है, कांग्रेस बहुमत में आएगी और सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का समझौता नहीं हो पाया, उसका उन्हें कोई मलाल नहीं है, अब कांग्रेस का घोषणा पत्र आना बाकी है। कुमारी सैलजा गांव का दौरा कर रही हैं, उनका मानना है कि लोग अब भारतीय जनता पार्टी के शासन से आज ही जा चुके हैं और अब कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मनजीत सहगल, आज तक।